सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, कितने तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ये जो है, मैं ये एक नोट्स के रूप में है, अगर आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। द टर्म लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेगिस। लेगिस का मतलब है लॉ, एंड द लैटम मीन्स मेकिंग और सेटिंग द लॉ। ठीक है, एक्चुअली इसका मतलब है इट रिफर्स टू द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ, मतलब लेगिस का मतलब है लॉ, लैटम का मतलब है मेकिंग। दैट मीन्स लेजिस्लेशन मीन्स ए बॉडी ऑफ मेकिंग लॉज। ओके, इसमें सामान्य बताते हैं, लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द लीगल रूल्स बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब लेजिस्लेशन एक ऐसा बॉडी है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से एक लॉ को पास किया जाता है। ठीक है, सामान्य ये बताते हैं। ऑस्टिन बताते हैं, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट ए लेजिस्लेटिव एक्ट। एक लेजिस्लेचर के, अगर एक लेजिस्लेचर नहीं रहता है तो, अगर नहीं रहता है तो कुछ भी लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्पोज ऑफ लॉ और लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर का पर्पोज क्या है, उद्देश्य क्या है। लेजिस्लेचर कैन हैव मेनी पर्पोज, बहुत सारा पर्पोज है। फॉर एग्जाम्पल, टू रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है। टू ऑथराइज भी करता है, प्रेस्क्राइब करता है। टू प्रोवाइड, सैंक्शन, ग्रांट एंड डिक्लेयर, और टू रेस्ट्रिक्ट एंड रिपील। ये सभी जो पावर है लेजिस्लेचर के हाथ में है। लेजिस्लेचर चाहे तो किसी के ऊपर रेगुलेट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ लॉज, सैंक्शन करते हैं कुछ लॉज को, ग्रांट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं और रिपील भी कर सकते हैं। तो लॉ का बहुत सारा पर्पोज है, ये सारा पर्पोज लॉ का है। ठीक है, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर बहुत तरह के हो सकते हैं। एक है सुप्रीम लेजिस्लेचर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, ये तो मेन है। ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है कॉलोनियल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जुडिशियल लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपल लेजिस्लेचर, ऑटोनोमस लेजिस्लेचर, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। ओके, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सुप्रीम लेजिस्लेचर। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है? द सुप्रीम लेजिस्लेशन इज बाय द सोवरेन पावर। सोवरेन पावर जो है, सोवरेन पावर ये सुप्रीम लेजिस्लेशन को पावर देता है लॉ बनाने की। ठीक है, ये स्टेट का सुप्रीम पावर होता है। देयरफॉर एनी अदर अथॉरिटी इन द स्टेट कैन इन एनी वे कंट्रोल और चेक इट। और ये जो सुप्रीम लेजिस्लेचर होगा एक स्टेट का, तो ये सुप्रीम लेजिस्लेचर जो है ये सर्वोच्च होगा। इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से चेक नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता ये लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड नॉट ओनली सुप्रीम बट लीगली ओमनीपोटेंट। मतलब इसको सिर्फ सुप्रीम ही नहीं माना जाता है, ये लीगली भी ओमनीपोटेंट है। ठीक है, देयर इज नो लीगल लिमिटेशन ऑन इट्स पावर। इसका जो पावर है, इसके पावर का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। इसका सर्वोच्च पावर होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन का सर्वोच्च पावर होता है। इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो सुप्रीम। इंडिया का जो पार्लियामेंट है ये भी सुप्रीम है। दो देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन, फिर भी यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है इसके पावर के ऊपर, लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर। बट नो अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कैन नॉट रिपील, एनल और कंट्रोल्ड। और ये पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी जो अदर अथॉरिटी है, कोई भी अदर जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, कोई भी इसको एनल्ड, कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, हम आसान शब्द में ये बोल सकते हैं कि ये जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है ये सर्वोच्च जो है, ये पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, हमारे देश की प्रोस्पेक्टिव में अगर देखें तो लोकसभा राज्यसभा जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जो लॉ बनाता है। ठीक है, ये सुप्रीम लेजिस्लेशन, और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल या चेक नहीं कर सकता, और इन दोनों के पावर सर्वोच्च होता है, इसको ही सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज अ लेजिस्लेशन बाय एनी अदर अथॉरिटी अदर देन द सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब ये सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे कि हमने बात की इसके पहले पॉइंट में, सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सा है? जिसके ऊपर कोई भी चेक्स या कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, और वो लेजिस्लेशन सर्वोच्च होता है, और उस लेजिस्लेचर के नीचे जो है वो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज ए लेजिस्लेशन बाई एनी अदर अथॉरिटी अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी। ये सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा जो भी अथॉरिटी है इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। इट इज मेड अंडर द पावर डेलीगेटेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है, सुप्रीम लेजिस्लेशन जब अपना पावर डेलीगेट करते हैं नीचे कोई भी अथॉरिटी को, तो जो पावर है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर बन जाता है। ठीक है, सच लेजिस्लेशन ओज इट्स एग्जिस्टेंट वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस टू द सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब अगर ये सुप्रीम जो लेजिस्लेचर है अगर चाहे तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल।
इसको पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम लेजिस्लेशन है, सुप्रीम लेजिस्लेशन अगर चाहे तो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बहुत तरह के होते हैं, वो नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पांच तरह के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन कौन सा है? द कंट्रीज व्हिच आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो देश इंडिपेंडेंट नहीं है एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर स्टेट, और जो किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है, ठीक है, एंड हैव नो सुप्रीम पावर, और जिस देश का कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है लॉ बनाने के लिए, उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोलते हैं। जैसे कि 1947 के पहले इंडिया में जो था, इंडिया में था कॉलोनियल लेजिस्लेशन, क्योंकि हमारे देश तब इंडिपेंडेंट नहीं था और हमारे देश को कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश लोग जो है वो कंट्रोल करता था हमारे देश को। तो क्या है वो? कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो हम जो है हमारा कोई भी सुप्रीम पावर नहीं था, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, हमारे देश जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ उस टाइम के पहले क्या होता था, ब्रिटिश जो लोग हैं वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता था। तो द अंडर ऑफ द कंट्रोल ऑफ सम अदर स्टेट, जब एक देश को दूसरा कोई स्टेट कंट्रोल करता है और उस देश का अगर कोई भी सुप्रीम पावर नहीं होता है तो उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। व्हेन द लेजिस्लेटिव पावर आर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव, जब ये लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कुछ एग्जीक्यूटिव को ऐसा पावर दे देते हैं लॉ बनाने के लिए, तो उस टाइम में जो लॉ बनाने की पावर डेलीगेट करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है? पावर आर गिवन टू द जुडिकेचर टू मेक लॉज फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजियर, जब जुडिशियरी के हाथ में कोई पावर दिया जाता है लॉ बनाने के लिए तो जो होता है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन होता है। जैसे कि कोई भी केस सॉल्व करने के लिए मान लो कि कुछ प्रोसीजियर में गलती हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए, उसको चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए जुडिशियरी को उस लॉ को चेंज करना पड़ सकता है। तो जो चेंज करता है वो चेंज करने का जो क्षमता है उसको ही वो भी लेजिस्लेशन का काम होता है, एक लॉ को चेंज करना, तो वो लेजिस्लेशन का काम कर देता है एक जुडिशियरी, तो इसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन बोल सकते हैं। इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज, दोनों के पास पावर है लॉ बनाने के लिए फॉर देयर रेस्पेक्टिव प्रोसीजियर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपना प्रोसीजियर और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ लॉज बना सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसको जुडिशियल लेजिस्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कौन सा है? म्यूनिसिपल बॉडीज आर गिवन पावर टू मेक लॉज, जब कोई म्यूनिसिपल बॉडी को पावर दिया जाता है लॉ बनाने के लिए, लाइक द फॉर द लोकल मैटर्स, लोकल कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब लॉ मेकिंग पावर दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है म्यूनिसिपलिटीज को, तो उसको म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन बोलते हैं। दिस लॉज आर मेड टू ऑपरेट इट्स रेस्पेक्टिव लोकेलिटी, एक लोकेलिटी को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाना पड़ता है। इन इंडिया सच म्यूनिसिपल बॉडीज आर, ये म्यूनिसिपल बॉडीज कौन कौन सा है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, म्यूनिसिपल बोर्ड हो सकता है, जिला परिषद हो सकता है, इसको हम बोलेंगे म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। व्हेन द सुप्रीम अथॉरिटी कन्फर्स पावर अपॉन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और वन इंडिविजुअल टू लेजिस्लेट, जब ये सुप्रीम अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर पावर जो है डेलीगेट करते हैं लॉ बनाने के लिए, तो वो है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको पावर दिया जाता है सुप्रीम अथॉरिटी के माध्यम से, और सुप्रीम अथॉरिटी से दिया गया जो भी पावर है, जो कन्फर किया गया जो पावर है एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो वो जो लॉ बनाने का अधिकार आता है उसके अंदर, तो वो है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, ठीक है, उसको ऑटोनॉमिक लॉ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज में जो होता है उसको ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोल सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज काइंड ऑफ ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स अंडर द पावर ऑफ डेलीगेटेड टू डू इट बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जब सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसी भी एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने की क्षमता डेलीगेट करते हैं, तो जो पावर एग्जीक्यूटिव के पास आता है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।